हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज हम साहीवाल गाय का एआई कर रहे हैं, इसी के साथ का सीमन इसको रखेंगे। ये जो पानी है ये 36 डिग्री से लेकर 37 डिग्री के तापमान का पानी है, जो गर्म भी नहीं होता और ठंडा भी नहीं होता। इसके अंदर अपने को ये सीमन अपने जो डाला है ये एक्टिव करने के लिए डाला है। अभी एक्टिव हो चुका है ये, और इस सीमन को अच्छे से साफ कर लेना है। ऐसे साफ करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इस पेंजर के अंदर इसको फिट कर देना है ऐसे, और फिर इस सीमन को ऊपर से पुश कर देना है। अब ये यहाँ पे रुक गया, आगे नहीं जाएगा, इसका मतलब इसका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और इसको अभी कैंची से काटना है, इसको तिरछा नहीं काटना होता है, ऐसे ऐसे काटोगे तो वो सीमन जो लीकेज हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। इसको सीधा बिल्कुल स्ट्रेट काटना है इसे। लो सर, अब हम ये सीध जो है इसका ये लॉक है, इस लॉक को हम इसके अंदर ऐसे फिट कर देंगे। अब ये देख सकते हो आप, इसके अंदर फिट हो चुका है अच्छे से। अभी इसको हम सपेंजर के अंदर पूरा एकदम से फिट कर दिए। ये देखिए, अभी हमारा ये एआई के लिए छोड़ दो बटे, एक मिनट छोड़ोगे। लुब्रिकेशन के अंदर है ना दोस्तों, ये सरसों का तेल जो होता है, ऑयल होता है ना, ये लेना चाहिए। कुछ लोग साबुन लगाते हैं और है ना, साबुन नहीं लगाना चाहिए क्योंकि साबुन से इरिटेट होता है ना। इस पर अच्छे से आपने देख लेना है, वल्वर लिप्सों पे कोई गंदगी तो नहीं लगी। अगर गंदगी लगी है तो वो गाय को इन्फेक्शन दे सकती है। और आप अच्छे से इसको रेक्टम पे लगाओगे और आराम से उसको पुश करना है, ना कि उसको ज़बरदस्ती करना है, क्योंकि पशु अनबोल है और इसको भी पेन होता है ना। और अभी आपने इसको अच्छे से ऐसे चेक कर लेना, अंदर से डिस्चार्ज भी इसका अपने को पता चल जाएगा। और अभी आपने इसको इंटर करना है, देख लेना अच्छे से, गंदगी नहीं होनी चाहिए। लगी धक्के से प्रेस नहीं करना होता है, जबरदस्ती आप गन को दबाओगे नहीं, आराम से गन जाती है, इंटर होती है। अभी मैंने सर्वेक्स को पकड़ रखा है। अब एक बात तो आप ये देख लेना कि अगर आपने सर्वेक्स के मुंह पे टच कर दिया, इतनी गन बाहर रहेगी और लगभग अब हमने ये सर्वेक्स को पार कर दिया, और जैसे ही पार करोगे तो गन आपकी जो है बढ़िया से इंटर हो जाएगी। अब इस पेंजर को आप इधर लेके आना बेटे, हाथ को पहले निकालना होता है और फिर स्पेंजर को ऐसे पुश कर देना अंदर। इस तरीके से आप एआई करोगे तो वो एआई सक्सेस होती है, ज़्यादातर फैल नहीं जाती, आराम से गन को बाहर निकाल। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, और पशुओं के संबंधी, रोगों के संबंधी जानकारी भी खूब मिलती है। तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, और लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और शेयर कर दें और कमेंट कर दें, ताकि हमें पता चल जाए हमें किस तरह की वीडियो शूट करनी चाहिए, आप लोगों की डिमांड क्या है। बाकी हम मल्टी टैलेंटेड, आपको पता ही है। ओके दोस्तों, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।